सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज हमारे गांव में जो NSS कैंप है उसका आखिरी दिन है, वहां पे कुछ कार्यक्रम होंगे तो हम भी वहीं जाएंगे आज दिन में। पहले उससे पहले अपने घर के जो भी काम है वो निपटा देते हैं। यहाँ पे आया तो पता चला कि मेरे कोई भी गैजेट चार्ज नहीं है, पावर बैंक भी बिल्कुल जीरो हो रखा है, GoPro भी जीरो, फोन की बैटरी आधी चार्ज है। पता नहीं क्या हुआ, बटन बंद ही रहा, चार्ज हुआ ही नहीं। अब घर जाना पड़ेगा, चार्जर लेना पड़ेगा, ये होता है यूट्यूबर के साथ। आज भी मुझे सामने चौखमा पर्वत पर ग्लेशियर टूटने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मौसम में ग्लेशियर टूटते हैं जब बर्फबारी हुई हो। तो यहाँ किचन में आज ये बास्केट पल्ले सब कुछ लग रहे हैं, तो देखते हैं लगने के बाद किचन कैसी दिखती है। तो करीब यहाँ पे एक घंटे बैठ के वीडियो एडिटिंग करी और अब निकल पड़ते हैं प्राथमिक विद्यालय की ओर। वहाँ पे कार्यक्रम होने हैं तो दिखाएंगे आपको कार्यक्रम क्या क्या हो रहे हैं आज वहाँ पे। आजकल देखिए गांव के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं, और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ना सरसों के फूल ज़्यादा थे, बारिश की वजह से अब थोड़ा फूल झड़ गए हैं, अब हरियाली बढ़ गई है। तो पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय गिरिया में और यहां पे कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं और यहां के बच्चे भी यहां की तैयारियां कर रहे हैं। ज़्यादा यहां पे सूट नहीं हुआ क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पे। प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने का नज़ारा काफ़ी गजब का है, जितनी बार देखो उतना कम है। सामने अपना गांव गिरिया, नीचे मनसुना मार्केट, मनसुना गांव, और यहां से सामने के भी सारे गांव दिखाई देते हैं। यहां पे सरांसी गांव है, सामने ऊपर चौखम्बा पर्वत, तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहां से। अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे जो NSS के बच्चे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी से कि आने वाले सालों में भी फिर हम अपने फलक पांवड़े बिछाए रखेंगे आपके लिए। अब यहां पे कार्यक्रम की शुरुआत हमारे NSS की छात्र छात्राओं के द्वारा। नीचे कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ पे पांडव नृत्य की तैयारी भी हो रही है। जो इस भाई ने पहनावा, ये धोखा है, ये यहाँ का पारंपरिक पहनावा है, हाथ में धनुष है, तो यहाँ आज हमको पांडव नृत्य भी देखने को मिलेगा।
1500 रुपया आलोक सिंह राणा ने वीडियो डाली थी जो अपने YouTube चैनल पे, उसमें से जो भी कमाई हुई वो उसने यहाँ प्रदान राम भाई प्रदान किया। महाभारत कालीन सभ्यता के जो पात्र हैं वो आपके सम्मुख यहाँ पे एक पांडव नृत्य की झलकियां दिखाएंगे। वैसे गांव में पांडव क्रीड़ा का आयोजन होता है, उसमें ये सब देखने को मिलता है, लेकिन आज NSS के विद्यार्थियों के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई है। फाइनली जो कार्यक्रम थे NSS कैंप वालों के वो पूर्ण हो चुके हैं और सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। बाकी यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत सारे कार्यक्रम देखने को मिले। दो कार्यक्रम मैं चैनल पे अपने अलग से डालूंगा, एक तो पांडव नृत्य हो गया, दूसरा वीर माधव सिंह भंडारी जी की जो कहानी है उसका वाला कार्यक्रम। जो NSS कैंप का है वो आज आखिरी दिन है, यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग। चलो जी, कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है, बाकी सभी लोग निकल पड़े हैं अपने अपने घरों के लिए। यहाँ पे कुछ कैंप वाले भी हैं, गांव के भी अपने छोटे भाई हैं। इस कैंप में गांव के सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला, बाकी आपका भी बहुत सहयोग रहा इसमें। जो मैंने उस दिन बोला था ना कि वीडियो पे जितने व्यूज, जितने मतलब अर्निंग होगी पहले दिन, तो उस वीडियो पे हुए थे $18 एक दिन में, तो वो सभी मैंने यहाँ दे दिए। जितने भी उसमें कम पड़े उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से दे दिए वहाँ। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं हमारे अंकल जी, इनसे पूछते हैं कैसा रहा कार्यक्रम हमारे गांव के लिए NSS कैंप का। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, सारे गांव वालों ने उसमें भाग लिया था, सारे गांव वालों का सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भाई हैं युवक मंगल दल अध्यक्ष हमारे, बड़े वैरी भरपूर सहयोग रहा है, हर काम में आगे रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। तो ऐसे ही गाँव वालों का सपोर्ट मिलता रहे, फिर अगले साल भी क्या पता हमारे गांव गिरिया में NSS कैंप दोबारा लगे। इसी उम्मीद के साथ अब सभी निकल पड़ते हैं अपने अपने घरों की ओर। और यहां पे गांव के छोटे छोटे बच्चे कंचे खेल रहे हैं। चल मार थरो। अरे रे रे। आज पूरा दिन NSS कैंप में ही बीता हमारा, और अभी शाम का टाइम हो चुका है। गांव की जो महिलाएं आई थी सभी अपने अपने कामों पे चली गई हैं, क्योंकि उन्हें घर का काम भी देखना होता है। माँ भी आई हुई है, तो मुझे माँ को जल्दी से यहाँ से बाइक से घर तक छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्त्री जी लगे हैं जो ऊपर किचन में कैबिनेट बनने हैं उनकी प्लाई काटने पर, और देखते हैं किचन का काम कितना हुआ कम्प्लीट। तो और ये देखिए किचन में हत्तियाँ भी लग चुकी हैं, मतलब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अभी किचन। अभी इनके बाहर से ना वो प्लास्टिक की पन्नी है वो लास्ट में निकालेंगे जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ ऊपर भी कैबिनेट बन जाएंगे तब और भी अच्छा दिखेगा। धीरे धीरे काम कंप्लीट होते जा रहे हैं, देखते हैं कब तक सारा काम निपट पाता है। तो माँ आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई थी काम देखने के लिए, तो कैसा हो रहा काम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अलमारियाँ कैसी हैं? किचन मेन अच्छा। माँ बोली थी वो ऊपर का जो स्लैब है ना वो तोड़ना नहीं था, लेकिन हमने बोला वो तोड़ना है, अच्छा करना है तो तोड़ना पड़ेगा।